से टूटती रहे। क्या इस जीत कर आने का जो अभिमान है उसके तहत हम इस प्रकार का आचरण करने के लिए हम एक तरह से जनता ने हमें स्वीकृति दे रखी है। मैं तो बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा अनुशासन का पालना करने वाला व्यक्ति रहा हूं, लेकिन कोई इसके कारण से कोई धमकी के आधार पर अगर कोई दबाने का प्रयास करे तो इसके लिए भी मैं पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो सदन चाहे 5 साल भी नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसका दंड हमें जो भुगतना होगा उसके लिए भी हम अपनी मानसिकता बना करके आए हैं, उसको भी भुगत देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक इतिहास हिंदुस्तान के अंदर बनेगा कि लोकतंत्र का मजाक करने वाले लोग इस घटिया क्वालिटी पे जाने के बाद भी आसन अपने आप में असहाय महसूस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जब तक आपकी कार्रवाई नहीं होगी ये सदन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा।